वक्त हम सीधे चलते हैं गुजरात के गांधीनगर, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं कि आज तक जो कार्य मैंने किया है वो मैंने करने की कोशिश भी की है, और इसके बाद पार्टी आगे नए नेतृत्व के बारे में विचार करें। पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसकी चर्चा हुई प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, और विशेष रूप से दो साल मुख्यमंत्री के रूप में और उसके साथ साथ करीब राजनीतिक जीवन में 18 साल विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी लेते हुए बहुत अच्छा कार्य आनंदीबेन जी ने किया है, और मुख्यमंत्री के रूप में भी जो गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास के मापदंड प्रस्तापित हुए थे उसमें भी उन्होंने दो साल में अपने विकास के कार्य को उसमें काफ़ी बड़ा एडिशन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत शुरुआत के समय से प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने संगठन का और पार्टी का और सरकार में भी कार्य किया है, और इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विशेष रूप से उनके कार्य की सराहना की और उनको धन्यवाद दिया। और उसी समय ये निर्णय हुआ कि पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी गुजरात में आए और यहाँ के विधायकों के साथ, नेताओं के साथ चर्चा करें, सांसदों के साथ भी चर्चा करें, और उसके आधार पर नए नेता का निर्णय करने की प्रक्रिया फिर उसके बाद निश्चित होगी। माननीय अमित भाई, हमारे प्रभारी दिनेश जी, संगठन के सह संगठन मंत्री सतीश जी, इन्होंने करीब 15 प्रमुख नेताओं से विस्तृत चर्चा की, बड़े प्रमाण पर विधायकों से भी चर्चा की, और उसके साथ साथ उन्होंने सांसदों के साथ भी चर्चा की और प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ सांसदों ने चर्चा की, और सबके जो उनका गुजरात की आज की स्थिति में पार्टी के नेता के चयन करने के बारे में जो उनका विचार था उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो माननीय अध्यक्ष जी ने और सभी इस प्रकार की जो चर्चा हुई उसकी जानकारी मुझे और हमारी मेरे साथ आई हुई जो निरीक्षक के रूप में आई है सरोज पांडे, इनको इसकी जानकारी बताई। फिर गुजरात के प्रमुख नेताओं के साथ, आनंदीबेन जी के साथ भी हमारी चर्चा हुई, और सबकी चर्चा होने के बाद यूनानिमसली निर्णय हुआ कि जिस प्रकार से सभी की भावनाएं उसको ध्यान में लेते हुए विजय रूपाणी इनका नेतृत्व, विशेष विधानमंडल के नेतृत्व के लिए उनका चयन हुआ, और उसके साथ साथ आनंदीबेन जी ने जो प्रस्ताव रखा उसमें डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में विजय जी के साथ नितिन भाई पटेल, इनका भी प्रस्ताव उन्होंने सभी विधानमंडल सदस्यों के सामने रखा। करीब 10 से ज़्यादा हमारे प्रमुख नेताओं ने उसका अनुमोदन किया, और उसके बाद में और कोई नाम सुझाना है क्या इस प्रकार की, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति से ये चयन होता है, तो पूछने के बाद स्वाभाविक रूप से एक ही नाम विजय जी का और नितिन भाई का उपनेता के रूप में दो नाम आए और बाद में उनका चयन हुआ। मैं अध्यक्ष ने ये जो मुझे और सरोज जी को जो दायित्व दिया था वो कार्य हमने आज पूरा किया। विशेष रूप से मैंने ये भावना व्यक्त की है कि नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विकास की राजनीति का एजेंडा देश को दिया, और पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में विकास का एजेंडा पूरे देश को नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उसकी जानकारी मिली, और उनके यशस्वी कार्य के कारण ही देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन किया। आज देश के तकदीर और देश का भविष्य उनके नेतृत्व में बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और स्वाभाविक रूप से नरेंद्र भाई का नेतृत्व, आनंदीबेन जी की विरासत अब विजय जी को और नितिन भाई को मिली है, और आने वाले समय में आगे चुनाव भी होने वाला है। मुझे जो अध्यक्ष जी ने कहा है कि जल्दी ही वो नए अध्यक्ष के बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं, और इसलिए संगठन और सरकार दोनों के बीच में एक समन्वय साध कर और गुजरात में जो विकास की परंपरा नरेंद्र भाई ने निर्माण की,
विशेष रूप से आनंदीबेन के नेतृत्व में जिसमें और बढ़ोतरी हुई, उससे और ज़्यादा कार्य करने का एक आह्वान के रूप में विजय जी और नितिन भाई के सामने एक आह्वान है। मैं दोनों को पिछले अनेक सालों से जानता हूँ। विजय भाई तो मैं विद्यार्थी परिषद में था और मैं जब काम करता था वो भी मेरे साथ उस समय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे और इसलिए बहुत अनेक सालों से उनको भी जानता हूँ। नितिन भाई को भी मुझे बहुत पुराना संबंध रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ PW मिनिस्टर के नाते मेरे साथ भी वो दौरे पर भी आए और गुजरात में भी उन्होंने रोड नेटवर्क बहुत अच्छा खड़ा किया। बहुत अनुभवी, सूझबूझ रखने वाले और हमारे पार्टी के बहुत प्रमुख नेताओं में से वो भी आज भी है और उनका भी अनुभव जो प्रशासन का है वो बहुत अच्छा है। और इन दोनों के नेतृत्व में आने वाले समय में गुजरात में और विकास होगा। नरेंद्र भाई ने जो मापदंड प्रस्तापित किए हैं उसी के आधार पर और गुजरात का विकास की जो यात्रा है इनके नेतृत्व में और आगे जाएगी और पार्टी और सरकार दोनों के समन्वय से जो आने वाला लोकसभा हमारा विधानसभा का चुनाव है उसमें पिछले बार हमको जीत मिली थी उससे ज़्यादा जीत, क्योंकि इस समय नरेंद्र भाई, अमित भाई, हम सब लोग, हमारे सब कार्यकर्ता और हमारे सभी विधायक पूरी ताकत के साथ, संगठन के साथ और उनके साथ खड़े हैं और मेरा विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में आने वाले समय में गुजरात में हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह से सफलता निश्चित रूप से मिलाएगी और इसके लिए हमारा केंद्र की हमारी सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारा केंद्र का संगठन अमित भाई के नेतृत्व में पूरी ताकत और शक्ति के साथ इनके साथ खड़ा रहेगा और ये जीत निश्चित रूप से हमको मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, भारत सरकार की ओर से, नरेंद्र भाई की ओर से और हम सब की ओर से हमको बहुत खुशी हुई कि आज उनका चयन हुआ है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ और गुजरात उनके नेतृत्व में ऐसे ही आगे जाता रहेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आप कहेंगे भैया? अजी हिंदी। ओके ओके। आज हमारे संसदीय दल की बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सरोज जी और हमारे दो दिन से मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे प्रभारी दिनेश शर्मा जी और वी सतीश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपाला जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सब ने मिलकर एक आने वाले दिन के लिए जो पार्टी ने जिम्मेवारी मुझ पर और नितिन भाई पर दोनों पर साथ में दिया है, हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय वड़ाप्रधान हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उन सबका हम अंतकरण पूर्वक से हम कृतज्ञ है, आभारी भी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हम दोनों को जिम्मेदारी दी है। और नितिन जी ने जिस तरीके से बताया कि नरेंद्र भाई मोदी जी और श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जो विकास की, डेवलपमेंट की राजनीति आगे बढ़ाई है और नरेंद्र भाई ने जो सूत्र दिया था कि सबका साथ सबका विकास, ये विरासत को आगे बढ़ाकर आने वाले 17 के चुनाव हम सब साथ मिलकर और गुजरात को पूरा देश का रोल मॉडल बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। और आज माननीय आनंदीबेन जी ने ये प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने समर्थन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। नितिन जी आज